तो कैसे हो भाई लोग, आज हम करेंगे एक और पबजी टेस्ट। रेडमी MI10i 5G में पबजी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स देखने वाली है वो इसकी एकदम नॉर्मल सेटिंग्स है विदाउट एनी GFX। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मूथ पे आप अल्ट्रा पे गेम प्ले कर सकते हैं, यानी कि 40 FPS पे आप अच्छे से गेम प्ले कर सकते हैं। और इस मोबाइल के लिए लोग बहुत हाइप मचा रखे, एक तो यार MI10i 5G, क्योंकि इससे पहले जो MI10T फ़ोन आया था भाई वो एकदम एक्सट्रीम फ़ोन था गेमिंग के लिए, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले 144Hz की मिलेगी और स्नैपड्रैगन 865 मिला था, तो ये भी एक अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G मिलेगा, जो कि 6 और 8 GB रैम वेरियंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल लैग FPS भाई, बिल्कुल यहाँ पर लैग स्टैटरिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये भाई एकदम एक्सट्रीम होने वाला है गेमिंग के मामले में, एकदम मस्त है। यूँ समझ लो आपको एक टाइप से ये पोको X3 का एक और नेक्स्ट वेरियंट है, सेम पोको X3 ऐसा, पर इसमें थोड़े अपग्रेड्स हैं। यहाँ पर आपको 750G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एकदम सबसे अच्छा बैटरी बैकअप है, जो कि बहुत ऑप्टिमाइज है, और 33W की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मैंने एक वॉर मैच खेला है, यहाँ पे आप वॉर मैच देखो, और उसके बाद जब मैं रेंगल मैच खेलूँगा वो भी देखना, वीडियो को एंड तक देखना। और मेरे चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसी न्यू अपडेट्स मिलती रहे नए मोबाइल से रिलेटेड। तो भाई यहाँ पे आपको सबसे मेन चीज़ इस फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा, जो 108 MP का इसमें आप कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि ये बजट फ़ोन होने वाला है 5G मिड रेंज का। तो भाई MI10i आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप ले सकते हो, फोन होने वाला है थोड़ा ये अपग्रेडेड है, स्पीकर्स मिलेंगे गेमिंग के लिए बहुत अच्छे भाई, इससे ज़्यादा अच्छे के सेगमेंट में बहुत अच्छे फ़ोन होने वाला है। वीडियो को पूरा देखो और मेरे चैनल बनाए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो भाई। तो यही था इसकी वीडियो में, और आप वीडियो को एंड तक देखो, एरेंगल का मैच मेरा बहुत अच्छे जाने वाला है। और सबसे मेन चीज़ MI के अब फोन अच्छे आने लग गए हैं, क्योंकि वो स्नैपड्रैगन को ज़्यादा होता है भाई। आप स्नैपड्रैगन 750 बजट मिड रेंजर वाला प्रोसेसर मिला है, जो कि बहुत अच्छा है, अच्छा होने वाला है, 5G तो होने वाला है पर अच्छा होने वाला है, तो आप इसको ले सकते हो भाई। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले भाई वही 120Hz वाला, जो पोको X3 में आपको 120Hz की डिस्प्ले मिलती है वही आपको इसमें देखने को मिलेगी, और इसमें और कुछ नहीं है भाई, बस थोड़ा अपग्रेडेबल वर्जन है, तो आप इस फोन को ले सकते हैं। इसकी प्राइस शायद 20,000 तक हो सकती है, 18 to 20,000। चैनल को सब्सक्राइब करो।